वीडियो का टॉपिक है रनर गेट रीजन एंड कैलकुलेशन. मेरा इस हिंदी वीडियो हिंदी में होगा, हालांकि हिंदी मेरा उतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करूं और आपका नॉलेज ग्रो कर सकूं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए. एक एक स्लाइड में मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं आपके लिए. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं ऐसा नॉलेजेबल वीडियो मैं आगे बना सकूं. तो शुरू करते हैं. हमारा पहला ओवरव्यू हम देखेंगे तो हम इस वीडियो में क्या क्या हम सीखने वाले हैं. तो पहला हम जानेंगे फील्ड सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ रनर फील्ड सिस्टम, रनर एंड टाइप्स ऑफ रनर हम जानेंगे, रनर का साइज का कैलकुलेशन हम जानेंगे, सिलेक्शन ऑफ पार्टिंग लाइन स्प्लिटिंग लाइन ऑफ रनर हम जानेंगे, फैक्टर इंपॉर्टेंट वाइल रनर डिजाइन हम देखेंगे, गेट एंड टाइप ऑफ गेट, गेट साइज कैलकुलेशन देखेंगे. तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए. तो पहला हम देखेंगे फील्ड सिस्टम क्या है. फील्ड सिस्टम वही है जो आपका मशीन का नोजल से लेके आपका होल्ड का कैविटी तक जो फ्लो पाथ है, जो चैनल है, उसको बोलते हैं फील्ड सिस्टम. ये फील्ड सिस्टम में मेन स्क्रू रहेगा और रनर रहेगा, सब रनर रहेगा और बोल्ट्स लाइक गियर रहेगा. तो ये सब चारा चीज इंक्लूड होके हम उसको कहते हैं फील्ड सिस्टम. तो ये पिक्चर तो हम आप देखा ही होगा बहुत सारी जगह पे किताबों में, तो मैं वही पिक्चर लिया हूँ यहाँ पे. उसका क्रॉस सेक्शन है और रैड कुछ नहीं हो और रेडियस है कट हो गया है. कोर्ड स्लग है इसको बोलते हैं कोर्ड स्लग. इसको स्क्रू पुलर का पिन है ये और स्क्रू है और स्क्रू मशीन. तो यही चीज यहाँ पे टू डायमेंशन में दिखाया है और यहाँ पे थ्री डायमेंशन. आगे बढ़ते हुए सिलेक्शन ऑफ फीड सिस्टम. अगर एक फीड सिस्टम सेलेक्ट करने में बहुत सारा फैक्टर्स हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और पहला पॉइंट रहेगा उसका पाथ ज्योमेट्री के हिसाब से और उसका वॉल थिकनेस और उसका वॉल्यूम के हिसाब से हम फीड सिस्टम सेलेक्ट करेंगे. तो वही चीज यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में. और उसका क्रॉस सेक्शन जो रनर हम लेने वाले हैं वो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. तो वही चीज मैंने यहाँ पे रेड और ब्लू कलर में हाईलाइट किया है. पहले हम देखेंगे वन बाय वन, लार्ज होगा तो क्या होगा, अगर स्मॉल होगा तो क्या होगा. अगर हम रनर गलती से अगर ज्यादा कर दिए तो क्या होगा. लार्ज रनर में लो इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा, हालांकि आपको पता ही होगा बड़ा पाइप में अगर आप पानी अगर घुमाएंगे तो उसके लिए बहुत उसमें प्रेशर बहुत कम रहेगा. तो हम बहुत छोटा पाइप में अगर पाइप वही पानी घुमाएंगे तो हमको ज्यादा प्रेशर मिलेगा. तो यही कहने का मतलब है अगर रनर का अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया तो आपका इंजेक्शन प्रेशर लो हो जाएगा. तो लार्ज रनर रिक्वायर्ड हाई कूलिंग टाइम. हालांकि अगर क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया तो उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, उसको कूल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा. और लार्ज रनर रिक्वायर्ड हाई क्लैंपिंग टनेज. अगर आपका मेरा पुराना वीडियो जो क्लैंपिंग टनेज कैलकुलेशन अगर नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक कीजिए और उसको देख डालिए पहले. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है जो और हमारा रनर ये दोनों मिला के हमारा क्लैंपिंग टनेज कैलकुलेट किया जाएगा. अगर रनर का प्रोजेक्टेड एरिया बढ़ गया है तो आपका ऑब्वियसली आपका क्लैंपिंग टनेज भी बढ़ जाएगा. तो अगर लार्ज नंबर अगर रनर का क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है तो आपका प्रोजेक्टेड एरिया भी बढ़ जाएगा, उसके लिए आपका क्लैंपिंग टनेज भी बढ़ जाएगा. और यहाँ पे अभी हम अब आएंगे स्मॉल रनर का दिक्कत क्या है. स्मॉल रनर आगे निकल ही नहीं रहा है, उसको पास करने के लिए ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इंजेक्शन प्रेशर लग रहा है मशीन से. तो मशीन का इंजेक्शन प्रेशर उतना नहीं रहेगा, इसके लिए आपका रनर को बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाएगा. मशीन में शेयरिंग होना चालू हो जाएगा, मशीन में फ्रिक्शनल हीट जनरेट होना चालू हो जाएगा और ये सब चीज आपका पार्ट के लिए खतरा है. आपका पार्ट का स्ट्रेंथ उतना नहीं रहेगा. तो ये भी आपको चीफ चटवा इसमें वही बताया हूँ. अगर आप पहला चीज तो फ्लो में आपका
एमएफआई का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका एमएफआई बढ़ेगा, तो आपका पार्ट का सॉलिड, आपका सॉलिड होने के बाद उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं रहेगा, उसमें स्ट्रीक मार्क दिखना शायद हो जाएगा। तो हिसाब बहुत सारा दिक्कतें आएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और पैकिंग ऑफ मटेरियल, पैकिंग का मटेरियल वही है, रनर का मेन चीज वही रहेगा इंपॉर्टेंटली, उसको पहले इंप्रेशन को फिल करके बाद में उसको खुद को फ्रीज होना है। हालांकि अगर आप छोटा ले लेंगे तो पहले वो खुद फ्रीज हो जाएगा बिना इंप्रेशन को फिल किए बिना, तो आपका रनर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी बचेगा, आपका मटेरियल का वेस्टेज बचेगा और आपका इंप्रेशन भी बराबर ठीक हो, बराबर फील हो जाएगा और लास्ट में वो रनर फ्रीज हो जाएगा। तो पैकिंग ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, अगर इंप्रेशन बिना इंप्रेशन फिल किए बिना रनर फ्रीज हो गया हो जाएगा तो आपका पार्ट ठीक से पैक नहीं होगा। अगर ठीक से पैक नहीं हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का डायमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा और आपका रनर का स्ट्रेंथ उतना नहीं रहेगा और उसका एस्थेटिक भी बिल्कुल खराब रहेगा। तो रनर, अगर रनर का एक छोटा साइज आपका बहुत सारा चीजों में इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखते हुए आपका रनर का डायमेंशन आपको सेट करना है, ओके। तो आगे बढ़ते हुए रनर एंड टाइप्स ऑफ रनर, रनर क्या क्या हुआ मैं बता दिया। फ्लो पाथ बिटवीन स्क्रू टू गेट, जो स्क्रू से गेट तक जो है उसको पाथ बोलते हैं रनर। तो इंक्लूड सब रनर एंड फोर्स लग वेल, फोर्स लग वेल का मतलब आप जानते ही होंगे, फिर भी एक बार बता रहा हूं। वो चीज है जहां पे रनर में डायवर्शन रहता है या डिवीजन रहता है, वहां पे एक कोर्स लग डालना बहुत जरूरी है। कोर्स लग ये काम करता है, जहां पे भी आपका प्रीवियस शॉट एंड हुआ हो तो वहां पे आपका पार्ट का एंड जो है वो कूल डाउन होके साइड पे हुआ रहेगा, तो वो नेक्स्ट साइकिल जब आएगा तो वो जो कोल्ड एरिया है वो फ्रंट पे रहेगा, वही चीज जाके आपका गेट पे अटक जाएगा या कहीं और अटक जाएगा, तो आपका जो फीलिंग जो है वो इवन नहीं रहेगा, किसी टाइम पे वो फील भी नहीं हो जाएगा। तो कोल्ड स्लग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, तो मैनुअली तो अवॉइड नहीं कर सकते, इसके लिए कोल्ड स्लग दिया रहेगा। ये जो सॉलिडिफाई हुआ जो हुआ होगा वो मटेरियल वो जाके कोल्ड स्लग में अटक जाएगा और उसके पीछे जो फ्रेश मटेरियल रहेगा, न्यूली फॉर्म मटेरियल रहेगा, वो आगे जाएगा और आपका पार्ट को फील करेगा, तो आपका फीलिंग और नॉन फीलिंग का इश्यू कोल्ड स्लग की वजह से एंड हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रनर हम जानेंगे अभी। टाइप्स ऑफ रनर में अगर कोई भी इंटरव्यू में अगर पूछेगा रनर टाइप रनर क्या है, तो सब लोग बोलेंगे राउंड है, हाफ राउंड है, ट्रेपेज़ियम रनर है, क्वाड्रेंट रनर है, ऐसा बोलेंगे, तो वो एक्चुअली गलत है। टाइप ऑफ रनर में तीन रनर्स आएंगे। पहला चीज है प्राइमरी पार्टिंग प्लेन रनर है, दूसरा है सब रनर है, उसमें दो तरीका है, एक कोल्ड है एक हॉट है, और तीसरा है हाइब्रिड सब रनर है, ओके। तो इसके बारे में जानेंगे। ऐसा जो बताया तीन है उसका मैंने फोटो लिया हुआ है इंटरनेट से। तो यहाँ पे आप पहला प्राइमरी पार्टिंग प्लेन रनर देख लीजिए, ये तो आप ज्यादातर देखा ही रहेगा, जो भी साइड गेट है, ऑलमोस्ट साइड गेट जो है वो प्राइमरी पार्टिंग प्लेन रनर में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ज्यादातर यूज करेंगे हम ये चीज। और सब रनर जो है सेकेंड जो है सब रनर है, इसमें दो है, एक हॉट है और कोल्ड है। कोल्ड तो जो भी थ्री प्लेट मोड में रहेगा वो सभी सब रनर है, क्योंकि इसका जो रनर का जो प्लेन है वो पैरेलल टू अवर पार्टिंग लेन रहेगा, यानी थोड़ा ऊपर रहेगा, 50-60 mm ग्रेविटी के ऊपर, इंप्रेशन के ऊपर रहेगा, तो इसको बोलते हैं सब रनर। हॉट रनर वही है जो सेम ट्रिपलेट का, अगर आप हॉट रनर में आप देखेंगे जितना भी हमारा पिन पॉइंट हॉट रनर है उसे भी सब रनर हॉट में आता है, ओके। तो हाइब्रिड सब रनर क्या है, बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ हद तक आधा हॉट रनर करेंगे आधा कोल्ड रनर करेंगे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड सब रनर। यहाँ पे दो मिक्सचर रहेगा, कोल्ड भी रहेगा हॉट भी रहेगा। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे पिन पॉइंट, यहाँ पे जो हॉट ड्रॉप, यहाँ पे स्क्रू के बेन बदले में हॉट ड्रॉप दिया गया है, ये जो एराउंड पार्ट में जो यहाँ पे जो रेड दिख रहा है ये हमारा सब रनर है, मगर मेन स्क्रू रनर है, स्क्रू है वहां पे हटा दिया है, वहां पे हॉट ड्रॉप हॉट रनर को डाल दिया है, इसको बोलते हैं सब रनर। यहाँ पे पार्ट में देख सकते हैं ये थ्री प्लेट मोड है, थ्री प्लेट मोड में क्या है यहाँ पे स्क्रू नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्क्रू के बदले में क्या किया इसने हॉट टिप वाला एक हॉट रनर डाल दिया है, ओके। वो जाके पहले मेन आपका
सबनर को भरेगा, सबनर से आपका कूलिंग सॉरी कोल्ड ड्रायर आपका चालू हो जाएगा। तो इसका फायदा ये है कि आपका स्पू का अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो मटेरियल सेव हो जाएगा, और अगर फ्लो का कुछ इश्यूज है फ्लो भी आपका ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हुए बैलेंस ऑफ रनर। बैलेंस ऑफ रनर बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से, इसके लिए मैंने इस चीज को कुछ आगे का एक वीडियो के लिए मैं रखा है, सोचा के रखा है। हालांकि आप देख सकते हैं बहुत सारा टाइप्स है बैलेंस ऑफ रनर में, ये तो आइडेंटिकल पार्ट के लिए है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को और अच्छे तरह से बनाए, और नॉन आइडेंटिकल पार्ट को भी, यानी दो अलग अलग पार्ट को एक ही रनर से कैसे भरे और उसको कैसे फिल करें इवनली, उसके बारे में अगर मैं एक वीडियो बनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इसको आगे कोई टाइम पे इसको मैं ब्रीफली अच्छा तरीके से बताऊं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है इसके लिए इसको आगे बचा के रखेंगे। ओके, तो अभी हम आ गए हैं रनर डिजाइन में और उसका कैलकुलेशन का पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिना स्किप किए हुए देखिए प्लीज। तो यहाँ पे कुछ हम क्रॉस सेक्शन देखा हुआ है, कौन सा क्रॉस सेक्शन अच्छा है, कौन सा क्रॉस सेक्शन बुरा है, यहाँ पे बताया है कुड बेटर बेस्ट पूर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रनर का पोजिशन है, कहीं कहीं पे ये कैविटी हाफ में है, कहीं कहीं पे ये कोड हाफ में है, दोनों बाजू में है, मूविंग हाफ में भी है, फिक्स हाफ में भी है। तो इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है यहाँ पे बताया गया है। और हमको क्रॉस सेक्शन में बहुत सारा ऑप्शन मिलेंगे, फुल्ली राउंड है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, ट्रेपेज़ॉइडल है, मॉडिफाइड ट्रेपेज़ॉइडल है। तो हम जानेंगे इसको कैलकुलेट करके कैसे रनर का साइज निकाले। हालांकि इसके अंदर गुड बेटर बेस्ट आप चूज कर सकते हैं, और इसका डायमेंशन क्या है जो डी वैल्यू है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे हम आगे कैलकुलेशन में जानेंगे। अभी हम कैलकुलेशन पार्ट में आ गए हैं, तो उसका कैलकुलेशन ये है रनर डायमीटर फाइंड करने के लिए, डी यानी डायमीटर ऑफ रनर, डी इक्वल टू रूट डब्ल्यू इंटू 4 रूट एल डिवाइडेड बाई 3.7। ये हमारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, तो इसके हेल्प से हम रनर का डायमीटर हम जानेंगे। तो डी का जो वैल्यू हम अगर फाइंड कर दिया है तो हम ये डी वैल्यू को हमारा कोई भी क्रॉस सेक्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम डायमीटर कोई क्रॉस सेक्शन में अगर हम वो कर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सभी वुड बेस्ट वुड बेटर ये दो है हमारे पास, और तीसरा है राउंड। तो ये सभी क्रॉस सेक्शन है ये इसी में ही आने वाला है, बेस्ट में है वुड में ही आने वाला है। तो इसके अंदर आप सर्कल देख सकते हैं, तो हम ये वाला डायमीटर अगर हम फाइंड कर दिया तो हम ये तीनों का डिजाइन बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे कैलकुलेशन हम सीखने वाले। हालांकि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स भी हमारा बुजुर्ग लोग हमारा सीनियर लोगों ने बना के रखा है, तो ये भी यहाँ पे लिखा है मटेरियल के हिसाब से टिपिकल रनर का डायमीटर क्या होना चाहिए करके। और यहाँ पे मेन रनर लेंथ और स्क्रू लेंथ फ्रॉम स्क्रू क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है। पॉलिस्टरन जो हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल है, यानी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो पॉलिस्टरन के हिसाब से करेंगे, उसको बेस रखते हुए हम बाकी का मटेरियल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उसका भी कैलकुलेशन करके उन्होंने मेन रनर सेकेंड रनर का भी टिपिकल डायमेंशन निकाला गया है। तो हम ये पार्ट को साइड में रखते हुए हम कैलकुलेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, वेट ऑफ 30 ग्राम मेरा पार्ट का वेट है, तो लेंथ ऑफ रनर 70 mm है, तो एल जो है हम फाइंड करना है, तो एल जो है ऑलरेडी हमारे पास 70 mm है, उसको डी फाइंड करना है, डब्ल्यू हमारे पास मिल गया है। तो अभी मैंने अगर कैलकुलेट कैसे करना मैं बता देता हूँ, 30 ग्राम हमारा पार्ट का वेट है, तो हमें कैलकुलेट ले लिया है, तो ये 30 लिया है, 30 में स्क्वायर रूट करूंगा 5.477, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5.477। ओके, और लेंथ ऑफ रनर उसको 4 रूट ऑफ एल यानी 4 रूट ऑफ 70 में मुझे करना है। इसके लिए यहाँ पे एक यहां से लेके तीसरा देखेंगे, यहाँ पे y रूट x करके लिखा है, तो मुझे आया 2.89, तो बस मैं बता देता हूं। ओके, तो
गया है 2.89, तो ये दोनों अगर इसको इंटू करूंगा मैं 5.477 इंटू 2.89, इससे मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन किया, मुझे आया 15। इसको अभी मैं डिवाइड करूंगा 3.7, ओके अभी हमको मिल गया 4.27। ये मेरा रनर का डैमेज हो गया, इसका भी मैंने कैलकुलेशन सब पूरा कर दिया हूं, दिखा देता हूं उसको। तो मेरा डाया रहेगा 4.27, तो आप इसको 4.3 के आसपास में आप देख ले सकते हैं, अगर आपको 4.4 का, अगर आपका 4.4 तक भी आप जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम है, 4.3 इज बेस्ट। और यहाँ पे मेन रनर टू सब रनर 0.7 mm लेस होना चाहिए, तो ये क्या मामला है, मेन नाम मेन रनर नाम हमारा आ गया है, मेन रनर वापस ये भी जाता, तो अगर ये हमारा मेन रनर है जो हमने फाइंड कर दिया 4.28, तो ये सब रनर जो है वो कम से कम 0.7 mm कम होना चाहिए डायमीटर में, ओके। तो ये चीज यहाँ पे बताया है 0.7 mm less and a 3 mm fillet, जहाँ पे दोनों runner mid runner और sub runner joint होता है, उसको 3 mm का fillet देना जरूरी है, okay? और अभी हम आएंगे gates के बारे में। तो हमारा पहला gate है screw gate। आपने ज्यादातर इस gate को buckets में देखा रहेगा, जो single round article रहेगा, वहाँ पे इसको screw gate को use किया जाता है। इसका advantage यही है कि इसका manufacturing बहुत easy है और राउंड आर्टिकल इवनली फील होता है, अगर डीप आर्टिकल रहेगा इसका प्रोसेस ज्यादा है तो आपको ज्यादा मटेरियल फ्लो मिलेगा और इवनली मिलेगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है। तो ये सब चीज काउंट करते हुए, इसको एडवांटेज काउंट करते हुए इस प्रोडक्ट को चूज करेंगे। इसका कैलकुलेशन कैसा है, इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके लिए वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका जो डायमीटर जो है सस्पो का, जो भी डायमीटर मेन हम लेंगे उसका डिपेंड रहेगा मशीन का नोजल के हिसाब से, और हम जाएंगे इसका मशीन का क्रॉस सेक्शन में जाओ, अगर नोजल ऐसा बट करेगा स्प्रू गेट पे, तो यहाँ पे जो ओपनिंग डायमीटर है नोजल का, इससे ये 1 mm बड़ा होना चाहिए हमारा स्प्रू गेट का मिनिमम डायमीटर, बराबर। तो यहाँ अगर 2 है तो आप इसको 3 लीजिए, यूजुअली ये 2 रहता है, तो हम मैं 3 लेता हूँ, ये 3 mm इसको लेता हूँ। और जो ये टेपर रहेगा, ये टेपर है, ये 2 से 4 degree रहेगा, 2 से 4 degree के बीच में आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं 2 से 4 degree। और यहाँ पे जब एड होएगा, कोई एड होएगा तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ये टेपर है, इसके लिए ये जो हाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइट अगर आप बहुत बड़ा, अगर आप कैविटी के पीछे बहुत जगह रख दिया है, आप इंप्रेशन के पीछे बहुत लंबा 60-70-100 mm रख दिया, तो आपका ऑब्वियसली आपका स्क्रू का जो एंड डायमीटर है, जो मैक्सिमम डायमीटर, वो बड़ा होने वाला है, तो आपका इंप्रेशन भी बहुत बड़ा दिखेगा। तो एक ऐसा तो स्क्रू गेट में डिसएडवांटेज यही है कि इसमें विटनेस मार्क, जो डिगेटिंग के बाद में जो विटनेस मार्क है वो बहुत बड़ा दिखते हैं, तो उसको आप कम करने के लिए आप कम से कम हाइट रखना पड़ेगा आपका स्क्रू गेट का, ओके। और यहाँ पे 3 mm का रेडियस देना बहुत जरूरी है, ये चीज यहाँ पे बता गया है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ हद तक ऐसा दिखेगा, स्क्रू गेट का अगर आप कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो यूजुअली ऐसा मैन्युफैक्चर रहेगा, तो डिगेट के से पहले ऐसा रहेगा ये, और ये ह्यूमन फीलिंग का कुछ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ओके। तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा है, उसका डायमेंशन इंचेस में है जो आपको एमएमएम में बताया है, ओके। आगे बढ़ेंगे तो एज गेट है जनरल पर्पज गेट, it is a rectangle channel machine known word plate, okay. Edge gate वही है जो साइड से हम फिट करते हैं, साइड से जो भी मशीनिंग किया रहेगा गेट को, उसको भी एज गेट कैटेगरी में आता है। इसके अंदर नॉर्मल रेक्टेंगल गेट आता है, टैप गेट आता है, पैन गेट आता है, तो हम आगे देखेंगे सब। तो ये इसका एडवांटेज यही है, इसका क्रॉस सेक्शन बहुत सिंपल है और चिकन मशीन है, इसको मिलिंग मशीन में लगा के आप मिलिंग कटर से छोटा सा
ओपन कर देंगे तो ये चीट हो गया ओके। और मशीनिंग बनाने के लिए अगर 2 एमपा आप कट लिया तो आपको 2 एमपा एक्यूरेसी मिल जाएगा, इसका कोई इंडेप नहीं है, कोई आपको स्पार्किंग गिरकिंग का कुछ भी झंझट नहीं है, मिलिंग में हो जाएगा। मैं ज्यादातर काम स्पार्किंग में भी कर सकते हैं, हालांकि अगर इसका डायमेंशन एक्यूरेसी मशीन करने के लिए बहुत आप अचीव कर सकते हैं, और इसको मॉडिफाई करना भी बहुत आसान है। आप देखा रहेगा ट्रायल पे अगर पार्ट नहीं हो गया तो कोई अगर मोड में गिर जाए कि वहां पे फेल करते रहे, मतलब इसका मॉडिफिकेशन भी बहुत आसान है ओके। और इसके अंदर बहुत सारा सभी जितना भी मटेरियल है आपका प्लास्टिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसके अंदर विटनेस मार्क दिखता है, क्योंकि हम डिगेट करते हैं इसको तो विटनेस मार्क दिखने वाला है। और सेकेंडरी ऑपरेशन क्या है, डिगेट करना ही इसका सेकेंडरी ऑपरेशन, ये एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है और इसका इजी टू मशीनिंग है, वो सब चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका कैलकुलेशन पार्ट मेन है कि हम उसको जानेंगे तो एच गेट कुछ हद तक ऐसा दिखेगा जो अभी मैं एक्सप्लेन किया आपको ओके। उसका कैलकुलेशन क्या मांगे अभी मेन, तो हम पहला जानेंगे इसका डेप्थ क्या है, डेप्थ को कैसे पता करूंगा। डेप्थ के लिए एच इक्वल टू एन इंटू टी ये फॉर्मूला है। अगर आपको डेप्थ स्क्वायर रूट ऑफ ए
सरफेस एरिया 1/30 सेम है, जो यहाँ पे मैं प्रीवियसली बताया उसका डेप्थ भी वही सेम है, n into coefficient equal to into thickness, okay? ये जो चार्ट है इसको भी रिफर करना पड़ेगा आपको। बस यहाँ पे L2 एक ऐड हुआ है, L2 यानी जो प्रोजेक्शन जो रहेगा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन है, हाइट और विथ को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, okay? और ज्यादातर ओवरलैप का गेट के बारे में बताना है, यूजुअली जो ब्लॉक्स रहेंगे जिसमें कोई भी रिप नहीं रहेगा, ऐसा कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स ऐसा कुछ आर्टिकल है, तो उसमें ज्यादातर ओवरलैप गेट यूज किया जाता है। इसका टिपिकली जो जेटिंग अवॉइड करना है, अगर कोई भी गेट को ओपन एरिया यानी सडनली सामने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा जगह ऐसा इंप्रेशन में ओवरलैप गेट से कोई मटेरियल निकलता है वो फ्लो पैटर्न एक क्रिएट करता है, उससे उसको बोलते हैं जेटिंग। वो जेटिंग अवॉइड करने के लिए ओवरलैप गेट का यूज करते हैं, जो जो इंप्रेशन बहुत लार्ज सर्विस एरिया जहाँ पे रहता है। इसका एडवांटेज यही है कि उसमें जेटिंग को ही अवॉइड करेगा। तो टिपिकल गेट साइज 0.4 टू 6.4 एमएम थिकनेस गेट का जो साइज है एंड 1.6 टू 12.7 एमएम वाइड है, ओके? ये टिपिकल साइज है, अगर आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ओके? तो मैं आगे बढ़ते हुए फैन गेट के बारे में हम जानेंगे। तो फैन गेट का भी अगर विथ का अगर विथ अगर फैन करने के लिए देखेंगे तो भी सेम है लगभग, और हाइट का है, हाइट का n into t सेम है, और h टू यहाँ पे एक स्टेप क्रिएट होता है यहाँ पे फैन का स्टार्टिंग और एंड पे, क्योंकि टेपर में रहेगा फैन फैन गेट, तो h टू एक ऐड होता है उसमें w h वन डिवाइड बाई t, तो ये फॉर्मूला है। मगर टिपिकली आप देखा जाए 6.4 mm विथ रहेगा ये विथ का जो गेट का विथ का, और ये अगर आप 25% ऑफ गेट कैविटी लेते हैं, अगर आपका जो भी कैविटी है अगर इसका 25% भी लेंगे तो भी आपको काम। ओके, और हम नेक्स्ट बढ़ते हुए पिन पॉइंट गेट। तो पिन पॉइंट गेट ज्यादातर ट्रिपलेट मोल्ड्स में यूज किया जाता है, इसका इसका डी फैन करना है, जो हमारे यहाँ पे जो डी है इसका ओपनिंग का जो डायमीटर है वो एन इंटू टी, एन यानी जो हमारा स्टैंडर्ड चार्ट है इसमें से लेना पड़ेगा पूरी है ना, और टी आपका थिकनेस है, ओके? और टिपिकली इसको कवर किया जाएगा विद चैम्फर, नहीं तो यहाँ पे डिंपल और बोथ साइड सिमेट्रिकली डिंपल भी दिया जाएगा, उसका डेप्थ रहेगा 0.32 0.8 mm, ओके? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए सबरन गेट के बारे में। सबरन गेट आप जानते होंगे कि हम यूज करेंगे ऑटो डिगेटिंग में, जहां पे आपको सेकेंडरी ऑपरेशन अवॉइड करना है, जहाँ पे हमको मैनुअली गेट कटिंग नहीं करना है, इस जगह पे हम सबमरीन गेट यूज करते हैं। जो यहाँ पे L1 करके जो है ये एरिया ये आपका गेट को डिटैच करता है, ये जो चीजल शेप में जो बच जाएगा जब भी वो एजिट करता है पार्ट को, और रनर को भी एजिट करता है टाइम पे, ये चीजल गेट को खींचेगा और आपका गेट डिगेट हो जाएगा। इसका फंडामेंटल फंक्शन यही है, और हमको इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे हम जाएंगे तो D1 यानी ये वाला ओपनिंग का गेट का ओपनिंग डायमीटर जो है गेट इसको बोलते हैं D1 1.5 इनटू S प्लस K, K एक नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 से 3 mm तक आप ले सकते हैं आपके हिसाब से, मगर मैं रिकमेंड करूंगा इसको मत लीजिए 1.5 इनटू S ही थिकनेस। तो मैं वापस कैलकुलेटर ओपन करूंगा, अगर मैं 2 mm का अगर मैं शीट थिकनेस मेरा वॉल थिकनेस में कंसीडर करूंगा तो इनटू 1.5 और लगभग ये मेरा 3 mm का यहाँ पे ओपनिंग डायमीटर यहाँ पे होगा। अगर आप कांस्टेंट अगर आप लेना चाहेंगे तो इन बिटवीन में मीन वैल्यू लूंगा तो भी 1.5 और मीन वैल्यू लूंगा तो मेरा 4.5 का ये मेरा यहाँ पे ओपनिंग, ओके? और D2 वो जो है यहाँ पे जहाँ पे जाके कट हो रहा है इंप्रेशन में और जहां पे क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं D2 के क्रॉस सेक्शन क्रिएट हुआ है, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर जो रहेगा वो रहेगा 0.5 से 0.8 इनटू मैं मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं 0.5 इनटू मेरा थिकनेस,
तो मेरा क्रॉस सेक्शन जो है एक एमएम का क्रॉस सेक्शन बनेगा okay? और डी टू में यहाँ पे कॉमनली टिपिकल डायमेंशन उन्होंने बताया है 182 तो हम का टिपिकल डायमेंशन दे सकते हैं तो मिनिमम इक्वल और लेसर देन 4 एमएम का वॉल थिकनेस है तो आपका कॉमनली 182 2 एमएम का क्रॉस सेक्शन डायमीटर का गेट ओपनिंग बनेगा तो L1 जो है सॉरी L1 है जो डिस्टेंस बिटवीन आपका रनर और आपका इंप्रेशन और कैविटी को बोल सकते हैं तो वो टिपिकली 1 एमएम रहेगा मोर देन 1 एमएम इक्वल और मोर देन 1 एमएम तो मिनिमम आपको 1 एमएम रखना पड़ेगा मैक्सिमम मैं रिकमेंड करूंगा लगभग 3 एमएम तक आप जा सकते हैं तो L2 है आपका स्पूट पुलर का और आपका पॉइंट का बीच का गैप है 10 to 10 to 20 एमएम आप रख सकते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अल्फा और बीटा अल्फा बीटा क्या है अल्फा जो है आपका आपका जो कनेक्शन का जो चैनल है उसका एंगल है वो सीमेंट पैरेलल टू आपका पैरेलल टू आपका मोल्ड ओपनिंग का ये एंगल जो है अल्फा है अल्फा 30 to 50 डिग्री अगर आपका पार्ट ब्रिटल है हार्ड पॉलीमर है जैसे कि HDPE है PVC है तो इसमें आप 30 डिग्री तक ले सकते हैं और आपका विस्कस पॉलीमर से उसमें आप 45 डिग्री तक आप ले सकते हैं तो ये एंगल इसके लिए इम्पोर्टेंट है यही एंगल आपका डिगेटिंग में हेल्प करता है तो ये एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है तो बीटा है आप 20 to 30 बेस्ड ऑन आपका ज्योमेट्री आप ले सकते हैं 20 to 30 बिटवीन ले सकते हैं और जहां पे भी आपका जॉइंट में पहले भी मैं बताया जहां पे भी रनर सब रनर हो मेरे भी गेट अगर जॉइंट वाला है वहां पे 3 एमएम का ले देना बहुत जरूरी है ओके हमारे पास 3 टाइप का सबमरीन गेट्स है यहाँ पे पहला और दूसरा और तीसरा तो सब में लगभग डायमेंशनली और आपका कैलकुलेशन वाइज ये लगभग सेम है ओके अब हम देखेंगे फ्लैश गेट या फिल्म गेट टाइनी पार्ट को फिल करने के लिए एक गेट यूज किया रहेगा और इसके अंदर दो टाइप है एक रहेगा सिंगल सब रनर का और यहाँ पे है डबल सब रनर का अगर आपका पार्ट का विड्थ ज्यादा है और सिंगल सब रनर से फिल नहीं कर पाएंगे तब हम यूज कर सकते हैं ड्यूअल सब रनर्स ओके और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह है मैं इंडिविजुअली नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ रहा है आप थोड़ा इसको स्टडी कर लीजिए ओके अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें नेक्स्ट हमारा गेट है टैप गेट टैप गेट हमें बताता है गेट टैप के जैसा रहेगा तो आपका पार्ट का बगल में एक छोटा सा टैब रहेगा तो ये टैब को पहले हमारा गेट कनेक्ट होएगा तो उसके बाद में पार्ट के अंदर एंटर होगा तो ये टैब लगभग पार्ट का थिकनेस का ही रहेगा लगभग यानी 90% तक पार्ट का थिकनेस तक रहेगा यहाँ पे बताया गया H1 जो है 0.9 यानी 90% तक ये थिकनेस सेम रहेगा तो H2 है 70% रहेगा तो हमारा ये वाला जो पार्ट है वो H2 है वो 70% का पतक पार्ट का थिकनेस तक रहेगा और L2 ये 1.5 into D तो D पहले बता देता हूँ D क्या है D रनर का जो डाया है वही है D तो टैप गेट का विथ जो है वो D रहेगा यानी आपका रनर का डायमीटर को ही टैप बना दिया जाएगा और L2 इसका जो लंबाई है जो टैप का वो 1.5 टाइम्स डी जो आपका रनर का जो डायमीटर है उसका 1.5 टाइम्स वो लंबाई रहेगा टैप गेट और ओवरलैप गेट में बहुत सारे लोग पूछते हैं डिफरेंस क्या है इसके दोनों के बीच में तो टैप गेट और ओवरलैप गेट दोनों लगभग सेम ही काम करता है वो जेटिंग का मार्क्स अवॉइड करने में जो फ्लो मार्क्स अवॉइड करने का काम करता है टैप गेट में एक एडवांटेज यही है कि इसके अंदर गेट का थिकनेस बहुत कम रहेगा क्योंकि इक्वल टू द पार्ट रहेगा इसमें बबल मास का और फ्लो मास का थोड़ा कम है इश्यू मगर ओवरलैप गेट में फ्लो कंट्रोल ज़्यादा मिलता है मगर बबल मास कुछ हद तक अवॉइड नहीं हो पाएगा तो इसका दोनों का मेन डिफरेंस यही है तो अभी यहाँ मेरा वीडियो खत्म होने वाला है मैं कोशिश किया जितना आपको नॉलेज दे सकूँ मेरे तरफ से रनर और गेट्स के और उसका कैलकुलेशन के बारे में बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप इसको सेव करके रखिए ये रनर और गेट का डिजाइन के लिए आपको आगे
फ्यूचर में आपको एक गाइडलाइन की तरह आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और मैं कोशिश करूंगा और भी जो छूट गया मेरे से, जैसे कि रनर रिंग गेट है, बनाना गेट है, बहुत सारा गेट से जो छूट गया, मैं मैक्सिमम इस वीडियो में यही कवर किया जो हमको फ्यूचर में हेल्प करेगा, जो बिगिनर्स के लिए, जो डिजाइनर्स के लिए जो हेल्प करेगा, क्योंकि यही गेट हम मैक्सिमम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, मैं आगे इसके बाद ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ रनर बैलेंस के ऊपर, जो नॉन आइडेंटिकल पार्ट्स है उसके ऊपर भी, हॉट रनर, डिजाइन ऑफ इजेक्शन, इजेक्शन के लिए आपका पार्ट का डिजाइन और आपका स्टिपर का डिजाइन और इजेक्टर पिन का डिजाइन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। प्लीज 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 आपका सजेशन कुछ है, आपका टॉपिक्स आपका दिमाग में कुछ है और आप कुछ जानना चाहते हैं मेरे से, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं वीडियो। तो मेरा हिंदी बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपका दोस्तों के साथ, आपके जूनियर के साथ शेयर कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।